खाद्य विभाग की छापामार कार्यवाही से भयभीत आधा बाजार बंद, दो दुकानों के लिए सैंपल। जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में जिले भर में चल रही खाद्य पदार्थ में मिलावटों को दूर करने के लिए चलाई जा रही कार्यवाही में पहरी ही नहीं बल्कि शिवपुर जिले में खलबली मच गई है। सूचना मिलते ही दुकानदार दुकान बंद कर भाग गए। कुछ लोगों पर फूड इंस्पेक्टर गौरव कदम व पौरी SDM शिवदयाल धाकड़, तहसीलदार अजय परसेड़िया व RI की मौजूदगी में दो लोगों की दुकानों के सैंपल लिए गए, जिनमें दो किराने की दुकानों के सैंपल भरे गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारी ने कहा जो लोग दुकान बंद कर भाग गए हैं उन पर अगले चक्कर में कार्यवाही की जाएगी। पौरी से धर्मन शर्मा की रिपोर्ट। जी, ये दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है। श्रीमान SDM सर द्वारा मतलब कार्रवाई के लिए बुलाया गया था। एक अंजलि एंटरप्राइजेज है और दूसरी दुकान गुप्ता किराना स्टोर है। पहली जो गुप्ता किराना स्टोर से दो सैंपल्स लिए गए हैं, इसमें एक पॉलिश वाली उड़द की दाल है जिसमें एक पाउडर सा लग रहा था, उसकी शंका के आधार पर उसको लिया गया है। और एक अरिहंत करके एक डेयरी वाइडनर मिल्क पाउडर है, दूध का पाउडर है वो, तो उसका सैंपल लिया गया। और अंजलि इंटरप्राइजेस के पास में पार्ले जी ग्लू ओरिजिनल ग्लूको बिस्किट एक्सपायरी डेट का मिला है। एक्सपायरी इन द सेंस उसकी बेस्ट बिफोर डेट 16 जनवरी को थी, उसके बाद वो रैक में रखा हुआ था तो उसको ले लिया गया है। बचे हुए दो तीन पैकेट उसके द्वारा स्वतः अपने आप ही उनको नष्ट करा दिया गया है। और एक नेस्ले मैगी का सैंपल लिया गया है, उसकी वो नियर बाई एक्सपायरी डेट में थी, तो साथ में तहसीलदार साहिबान भी थे, उनके निर्देश पर उनके द्वारा साथ में थे, इसलिए मैगी का भी एक सैंपल लिया गया है। कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, जैसे भी SDM सर और कलेक्टर साहब से निर्देश प्राप्त होते रहेंगे उसी क्रम में कार्रवाई आगे बढ़ती रहेगी।